दशहरे का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन राजा रामचंद्र जी ने लंकापति रावण का अंत किया था। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती से रावण का खास संबंध था। आइए समझते हैं खास कनेक्शन। ग्रेटर नोएडा के पास बिसरक गांव है, जिसे रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इसी जगह पर लंकेश का जन्म हुआ था। यही वजह है कि यहाँ पर ना तो दशहरा मनाया जाता है और ना ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। यही नहीं, इस गांव में रावण के बाद कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण ने भी जन्म लिया था। यही वजह है कि जब पूरे देश में भगवान श्री राम की जीत की खुशियां मन रही होती हैं, तो वहीं इस गांव में रावण की मौत का शोक मनाया जाता है। दशहरे का दिन यहां लोग मातम मनाते हैं। यहां के लोगों का कहना है कि रावण उनके गांव का बेटा है और यहां का देवता भी है। ऐसा माना जाता है कि बिसरक रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गाँव हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बिसरक पड़ा था। विश्व ऋषि यहाँ रोज पूजा करने के लिए आया करते थे। उनके बेटे रावण का जन्म भी यही हुआ था। इसके अलावा पूरे देश में बिसरक एक ऐसी जगह है जहाँ अष्टभुजीय शिवलिंग स्थित है। यही रावण ने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की थी। ऐसा भी कहते हैं कि कई दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले को जलाया तो यहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा की, तब जाकर यहाँ शांति हुई थी। मेरठ मैं दानव का राज्य था, जो मैं राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में नाम मेरू पड़ा और उसके बाद मेरठ पड़ा। मैं दानव की बेटी मंदोदरी शिव भक्त थी और मेरठ के विलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करने जाती थी, और मंदोदरी की शादी लंकापति रावण से हुई, इसीलिए मेरठ को रावण की ससुराल भी कहा जाता है। मेरठ के प्राचीन विलेश्वर नाथ मंदिर से जुड़े इतिहास की माने तो इस मंदिर में लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा करने आती थी। इस मंदिर को प्रमाणित करने के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना बोर्ड भी लगा रखा है, ताकि इसकी बनावट से कोई छेड़छाड़ आदि ना करे। इस मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। शिवलिंग खंडित ना हो, इसलिए इस पर तांबे का पात्र चढ़ाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।